पंचकुला कोर्ट में पहुंचे हनीप्रीत। आज हनीप्रीत पर आरोप तय किए जाएंगे। देशद्रोह का आरोप है हनीप्रीत पर। पंचकुला हिंसा में देशद्रोह का आरोप हनीप्रीत पर। पुलिस हिरासत में है और आज सुनवाई के लिए पंचकुला कोर्ट पहुंची हनीप्रीत। अनिल कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनिल, कुछ ही देर बाद सुनवाई शुरू होने वाली है, क्या जानकारी आपके पास? किस तरह की तैयारी है सरकारी वकील की और हनीप्रीत के वकील की ओर से क्या दलीलें? आज हनीप्रीत अंबाला से पंचकुला अदालत पहुंच गई है और जी अनिल, और हनीप्रीत को एक सेशन एडिशनल सेशन जज निर्जा कल्सन की कोर्ट में पेश कर दिया गया है और उस पर आज जो आरोप पत्र तय होंगे उस पर बहस होगी। और आपको बता दें कि हनीप्रीत के खिलाफ एफआईआर नंबर 345 में आईपीसी की धारा 121, 121A, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया है। सभी हनीप्रीत समेत 15 आरोपी जो है आज अदालत में पेश होंगे और सभी पर इन्हीं धाराओं पर मामला दर्ज किया गया है। जी अनिल, जिस तरह से आपने धाराएं बताई जो कि लगाई गई हैं हनीप्रीत पर, कितनी गंभीर ये धाराएं हैं और इन धाराओं के तहत क्या कितनी सजा हनीप्रीत को हो सकती है? अनिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल जी। अनिल, आपने जिक्र किया जो धाराएं आज हनीप्रीत पर होंगी वो कितनी गंभीर हैं? जी, काफी गंभीर धाराएं हैं, लेकिन आज जो पुलिस ने धारा लगाई है उस पर बहस होगी, उसके बाद ही आरोप तय किए जाएंगे, उसके बाद आगे की सुनवाई बढ़ेगी। जी यानी कुल मिलाकर हनीप्रीत समेत 15 आरोपी हैं जिन पर आज आरोप तय होंगे। अनिल, ये बताइए कि जब कोर्ट में पहुंची हनीप्रीत किस तरह के हाव भाव थे, किस तरह से क्या परेशान थी, कोई वकील से कोई बातचीत हुई हनीप्रीत के? जी, जब भी हनीप्रीत को लाया जाता है तो मुंह के ऊपर ढका होता है एक कपड़ा सा और जो है जो पहले शुरू में परेशानियां हुई थी अब उतनी तो नहीं है, लेकिन परेशानियां अभी भी जारी हैं क्योंकि आज जो है जो आरोप पुलिस ने लगाए हैं उस पर बहस होगी, बहस के बाद आरोप तय होंगे। अब ये देखना है कि क्या क्या आरोप उस पर तय होंगे। जी इस बीच विपासना इंसा की भी लगातार दबिश के तलाश के लिए दबिश दे रही है पुलिस। अनिल, क्या लगता है कि विपासना जब पकड़ी जाएगी तब और भी मामले और भी खुलासे सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल, विपासना की जो गिरफ्तारी है पुलिस के लिए काफी अहम है क्योंकि जितने भी हनीप्रीत समेत आरोपी पकड़े गए हैं कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ बताया होगा और किस तरह डेरे का संचालन होता था और विपासना का क्या रोल था, इन सभी मुद्दों को लेकर जो पुलिस के जहन में सवाल थे वो सभी पूछेगी। और जो विपासना की गिरफ्तारी जो अब अहम मानी जा रही है और इसके लिए जो है अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। जी शुक्रिया आपका अनिल। तस्वीरें दिखा रहे हैं हनीप्रीत को, पुलिस लेकर पहुंची है पंचकुला कोर्ट में। आज पेशी, आरोप तय किए जाएंगे हनीप्रीत पर। बहुत सारी धाराएं हैं जो कि पुलिस लगाएगी, इन धाराओं पर बहस होगी और बहस के बाद आरोप तय किए जाएंगे। मुश्किलें हनीप्रीत की लगातार बनी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंबाला से पंचकुला कोर्ट पहुंची हनीप्रीत।